आतिफ रहमान खान हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे एक आप पहले दिन से इनको देख रहे हैं। आतिफ रहमान खान ने उस वक्त, जिस वक्त जंग का माहौल था दोनों ममालिक के दरमियान, उस वक्त ये गाना गाते हैं और एक गाना इन्होंने बनाया था। जरा वो गाना सुनते हैं, इन्होंने जवाब दिया था किसी और को नहीं, वजीर आजम भारत नरेंद्र मोदी को। जरा ये गाना सुनिएगा। ब्रेकिंग न्यूज मेरे भाइयों, आतिफ भाव ने नरेंद्र मोदी को जवाब देने का ऐलान कर दिया। आल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू, आल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू, जितनी सारी नफरतें हैं दिल से निकाल तू, देखना पे अपने रब का कमाल तू, आल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू, आल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू। जंग का कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान का ये कायदा नहीं, सिद्धू हमको दे दे और फवाद को संभाल तू, इमरान खान के साथ है हर तरफ, यहाँ पे अमन ही की बात है, जनरल बाजवा आप हमारी जान हो, पाक आर्मी आप हमारी शान हो, इंडिया की आवाम बहुत ही भोली है, मोदी के पास इलेक्शन की गोली है, तुम अपना मुल्क बचाओ हम अपना मुल्क बचाएं, तुम वीजा लेके आओ हम भी तुम्हारे पास आए, ये लाहौर तुम्हारा है, यूपी सारा हमारा है, कैसी ये नफरतें इनको तुम खत्म करो, कैसी ये जंग है बढ़ाएं, तुम भी भागाओ हम भी भागा बॉर्डर जाएं, तुम यहाँ किया के निहारी खाओ हम भी तुम्हारी भेल पूरी खाएं, नहीं करो हम तंग नहीं करोगे जंग, क्योंकि हम तो हैं मलंग भाई, आल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू, तू जलाल तू, आई भला को टाल तू, जितनी सारी नफरतें हैं दिल से निकाल तू, देखना पे अपने रब का कमाल तू, आल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू। आते भाव हमारे साथ यस बैठे हैं। आते भाई जबरदस्त सॉन्ग आपका, और जी लिरिक्स बहुत कमाल थे, थैंक यू, अमेजिंग सॉन्ग, आई लव इट, थैंक यू सो मच। ये आतिफ जी, आप जी जी अच्छा लगा आपको का सॉन्ग? बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अच्छा ये पाकिस्तान का मकसद ही है कि नो जंग नो लड़ाई, हम अमन की बात करते हैं, हम क्या ख्याल है खत्म कर रहे हैं इस सॉन्ग में। हाँ, इस सॉन्ग में जंग को खत्म करने की कोशिश की गई है और वेलकम कर रहे हैं ये, हां टू कम एंड टू यू नो ही इज वेलकमिंग देम, अ फ्रेंडशिप हैंड, फ्रेंडशिप, और पाकिस्तान का हमेशा से फ्रेंडशिप हैंड रहे, हमने हमेशा एक पॉजिटिव वाइब दी है। और जिस तरीके से मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में भी था, मुझे याद है उस वक्त ब्रुसेल्स में जब परवेज मुशर्रफ शाह खिताब करने के लिए गए थे, और उस वक्त भी जो है उन्होंने जो कश्मीर कमेटी से पहला खिताब किया था, उस वक्त यही बात कही थी कि अगर मैं हाथ बढ़ाने आया हूँ, अगर हाथ आगे बढ़ाओगे तो ठीक है, वरना मेरा हाथ इतना सस्ता नहीं है कि मैं आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। ये बात हम हमेशा ये उनको कन्वे करते रहें। चले